जिस पराली को किसान खेतों में आग लगाकर राख का ढेर बना देते हैं, उसी पराली को इकट्ठा करके कैथल के रामकुमार लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। गांव रेवाड़ जागीर के रहने वाले रामकुमार भूमिहीन है, न उनके पास कोई जमीन है और न ही वो खेती करते हैं। मगर रामकुमार की जागरूकता देखिए, जिस पराली को किसान खेतों में आग लगाकर धुएं में उड़ा देते हैं, उसी पराली को मशीनों द्वारा इकट्ठा करके रामकुमार फैक्ट्रियों में बेचते हैं और लाखों रुपए की कमाई करते हैं। कब से शुरू किया आपने ये बिजनेस? मैंने 2012 से शुरू किया। 2012 में पंजाब में स्कीम आ रही थी, पंजाब से मैंने एक बेलर खरीदा मेरे रिश्तेदार मित्र प्यारों के सहयोग से, और इस बेलर को मैं हरियाणा में लेके आया। हरियाणा में ला करके खेतों में पड़ी पराली, किसानों के खेतों में पड़ी पराली को गट्ठड़ बांध के कंपनी में पहुँचाने का निर्णय लिया। इससे कमाई भी अच्छी होगी और प्रदूषण भी कम किया। तो बिजनेस की अगर बात की जाए तो कितना आप मुनाफा मतलब कमा लेते हो? बिजनेस की बात करी जाए, एक मशीन से मेरा 5-7 लाख रुपए में से कमा लेता हूँ। पिछले सीजन की बदौलत अब की बार कैसा सीजन रहा? पिछली बार की सीजन से क्योंकि कृषि विभाग की मदद से 2018 में मेरे पास 8 बेलर थे, हम लोगों ने 8 बेलरों से काम किया। 8 बेलरों पे काम करने के बाद कोई 30-35 लाख रुपए कमाए। रामकुमार मजदूरी किया करते थे। 2012 में वो पंजाब गए और वहाँ उन्होंने एक गांव में पराली के बंडल बनाने वाली बेलर मशीन को देखा। रामकुमार को वो मशीन काफी पसंद आई और फिर उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार पैसे लेकर 2012 में ही 6 लाख रुपए में पुरानी बेलर मशीन खरीद ली। हालांकि शुरुआत में राजकुमार को कुछ ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन 2014 में पराली बेचने के लिए पेहोवा में एक पेपर मिल रामकुमार को मिल गई। उसके बाद तो रामकुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 300 लोग काम करते हैं 10 मशीनों के ऊपर। अच्छा, कितनी वो दिहाड़ी पा लेते हैं? 1000 से 1100 रुपया लक्की दिहाड़ी हो शाम तक पा लेते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या योगदान? सरकार की तरफ से एक मशीन लेने पर 80% सब्सिडी कृषि विभाग दे रहा है। अब तक आपके बार सीजन में कैसा देख रहे हो? अब की बार सीजन में अच्छा सीजन रहेगा। 40-45 लाख रुपए मेरी 10 मशीनों के साथ हम लोग कमाएंगे। क्या लोगों से अपील करना चाहोगे? लोगों से के अपील करना चाहता हूँ, इस काम को कोई भी कर सकता है, इतना काम ये औखा नहीं है। कृषि विभाग की मदद से मशीन लो और खेतों में पड़ी पराली के गट्ठड़ बांध के पराली फैक्ट्री में पहुँचाने का काम करें, उससे प्रदूषण भी कम होगा और कमाई भी अच्छी होगी। राम कुमार जी, एक मशीन के साथ कितने ट्रैक्टर ट्रॉली और कितने जो दिहाड़ीदार मजदूर काम करते हैं? एक मशीन के साथ 3 ट्रैक्टर मशीन चलाने में लगते हैं और 10 ट्रैक्टर जो गट्ठड़ बने खेतों में पराली फैक्ट्रियों तक पहुँचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर 10 ट्रैक्टर लगते हैं। तो कुल मिलाकर एक मशीन पे कितने कारीगर काम करते हैं? एक मशीन के ऊपर 40-45 लोग काम करते हैं। कभी रामकुमार ने उधार पैसे लेकर पुरानी बेलर मशीन खरीदी थी, मगर आज उनके पास अपनी खुद की 10-10 मशीनें हैं, जिसके जरिए रामकुमार हर साल 6000 एकड़ में पराली प्रबंधन करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रहे हैं। रामकुमार की कामयाबी का आलम यह है कि आज उनके साथ करीब 300 मजदूर काम कर रहे हैं, जिनकी एक दिन की कमाई भी 1000 रुपए से कम नहीं है। हालांकि पराली प्रबंधन के लिए कृषि विभाग द्वारा मशीनें खरीदने में रामकुमार को मदद भी मिल रही है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी रामकुमार को दूसरों के लिए प्रेरणा बता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को बताना चाहता हूं कि पराली के प्रबंधन के लिए हमने पूरे जिला स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना बनाकर उसके अनुसार काम कर रहे हैं। पिछले लगातार 2-3 सालों से ये जो आगजनी की घटनाएं हर्षक द्वारा प्राप्त होती थी उसमें बहुत सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और लगातार घटनाएं जो है कम होती जा रही है। इस साल भी अभी तक जो घटनाएं बहुत कम हैं, इसे हमें महसूस हो रहा है कि किसान हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। अब हम मशीनें भी हम जिला कैथल में लगभग 6300 के आसपास दे चुके हैं, 996 के आसपास हमने कस्टमर माइनिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया है, और पिछले 2 सालों से जो भी किसान इसमें ये अपने गंठे बना के डिफरेंट प्लांट्स में बेचता है तो उसको 1000 रुपया प्रति एकड़ हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। पिछले साल हमने इसके लिए 3.80 करोड़ रुपया दिया था और इसकी बार अब की बार हमने इसका लक्ष्य जो रखा है लगभग 8 करोड़ का रखा है,
तो 3,80,00,000 पिछली बार दिया था और इस साल हम प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को, जागरूक कर रहे हैं बार बार कि वो अपने पंजीकरण ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल पर कराएं ताकि हम उनको ये लाभ उनके सीधे खातों में भेज सकें। सर, जो मशीनें वगैरह दी हैं उन पर सब्सिडी वगैरह सरकार की क्या? हाँ बिल्कुल, जो मशीनें 10 मशीनें हैं जो प्राणी प्रबंधन के लिए प्रयोग की जा रही हैं, कस्टम हायरिंग सेंटरों में हम 80% अनुदान पर सब्सिडी दे रहे हैं जिसमें बेलर मशीन भी इंक्लूड है। और यदि कोई कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं बना रहा, निजी स्तर पर मशीन ले रहा है, तो उसको हम 50% अनुदान पर ये सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। और लगातार हर ड्यूटी लगाई एक अधिकारी की किस कस्टम हायरिंग सेंटर ने कितने प्राणी का प्रबंधन किया है, किस मशीन ने कितने एरिया को कवर किया है, वो पूरी एक रिपोर्ट डेली बनाते हैं, मुख्यालय को भेजते हैं। पराली की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार और कृषि विभाग तमाम कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में अब कैथल में पराली से बिजली बनाने का प्लांट भी लगाया गया है। एक निजी कंपनी ने सरकार के सहयोग से कैथल के कांगथली गांव में पराली से बिजली बनाने का प्लांट लगाया है। इस प्लांट में किसानों की पराली खरीदी जाती है और पराली से बिजली बनाकर सरकार को दी जाती है। रामकुमार भी इस प्लांट में पराली बेचते हैं और पराली के इस कारोबार में रामकुमार को इतना फायदा हुआ है कि रामकुमार के पिता और दो भाई अब तक मजदूरी किया करते थे, आज वो सब गाड़ियों से चलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बॉयलर होता है, बॉयलर में हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम बना के फिर उसको टर्बाइन पे डालते हैं। तो ये पराली से चलने वाला ये पहले ही बॉयलर है यहाँ पे इंडिया में, और इसकी 15,000 यूनिट पर घंटा बनेंगी। मतलब इंडिया में कहीं नहीं, पहला ये लगने लग रहा है? नहीं, पंजाब में और फिरोजपुर में है, और यहाँ पे भी ये यूनिट हरियाणा में ये दो प्लांट हैं, पेवा में है और यहाँ पे है कांथली में है, दूसरा कुरुक्षेत्र में। और सर, बिजली की अगर बात की जाए तो कितनी क्षमता है बिजली बनाने की? ये 15,000 यूनिट पर आर बनाएगी और 3,50,000 यूनिट पूरे 24 घंटे में 3,50,000 यूनिट होंगे पर डे। जो बिजली बनाई जाएगी वो किस तरह से, मतलब आगे किसको दी जाएगी? ये सारी बिजली जो बनेगी, हमारा ऑलरेडी PPA रहता है, वो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम PPA देते हैं। कांथली में जो इनका सबस्टेशन है, सबस्टेशन में सप्लाई होगा। आपको बता दें कि रामकुमार के साथ उनके दो छोटे भाई राजेंद्र और राजेश भी काम कर रहे हैं। तीनों में से कोई भी 10वीं से आगे नहीं पढ़ा है, लेकिन सोच अलग होने के कारण आज तीनों कामयाब हैं। रामकुमार बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में सभी ट्रैक्टर फाइनेंस पर लिए, समय पर किस्तें चुकाई और आज खुद के दर्जनों ट्रैक्टर व ट्रॉलियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामकुमार के पास आज 10 बेलर मशीन है जिसके जरिए वो सालाना 2 करोड़ का कारोबार करते हैं और जिसमें से 40 से 45 लाख रुपए सीधा बचत होती है। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।